मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण लोकाज जाते मिले समाज सब पावे निज परिराज विद द चेंजिंग टाइम्स द थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड. ऐसी लोक में कहावत चलती है, बदलते समय के साथ वस्तुओं को भी पेश में रहने के लिए बदलना जरूरी होता है, ऐसा लोक में कहते हैं. बट ये विशिष्ट चीज़ों के लिए भी ही कन्फाइंड रेस्ट्रिक्टेड थिंग है, यह सर्वव्यापक रूल नियम नहीं है. बिकॉज ऑल द माइटियर थिंग्स डू सर्वाइव एंड दे सर्वाइव फॉर एवर. मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा शानदार ग्रंथ है जिसको हम इस कृति को कालजयी कृति कह सकते हैं. कालजयी कृति मीन्स विद द मूविंग टाइम, बदलते समय के साथ इसकी वैल्यू कम नहीं होती, यह सदाकाल, यह अप टू डेट बना रहता है, यह आउट ऑफ डेट कभी भी नहीं होगा. यह आज के तारीख में भी और फॉर द कमिंग 18,500 वर्ष पंचम काल के समापन में यह एक गाइडलाइन, यह एक लाइट पोल जैसा हेल्प करेगा लोगों को जो भटक रहे हैं चतुर्गति संसार में, सुख की तलाश में, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए ये ग्रंथ एक अभूतपूर्व जबरदस्त ग्रंथ है. पंडित जी साहब को महापंडित ऐसी विभूति से विभूषित किया गया है. क्या है ये महापंडित, थोड़ा समझते हैं. कुछ ऐसे पंडित तो होते हैं जो पुस्तकों पर, ग्रंथों पर अपनी गाड़ी पकड़ रखते हैं, कमांड अधिकार रखते हैं. ऐसे विद्वान कम नहीं है. ऐसे विद्वान होंगे जो ग्रंथों पर अपनी पकड़ रखते होंगे, लेकिन ग्रंथों की पकड़ के साथ साथ आत्मा पर भी जिन्होंने अधिकार साधा है, ऐसे विद्वान पंडित तो और दुर्लभ है. चलिए मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि ग्रंथों पर अधिकार होने के साथ साथ आत्मा पर अधिकार होने वाले भी पंडित होते होंगे. बट ग्रंथों और आत्मा के अधिकार होने के साथ साथ ऐसे बहुत ही विरले विद्वान होते नहीं के बराबर, जिनका लोक पर भी अच्छा प्रभाव होता है. लोक पर भी प्रभाव मतलब जिनका लोक का ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है, मतलब जो ग्रंथों को तो पढ़ते ही है, आत्मा को भी पढ़ते हैं और साथ साथ लोक को भी पढ़ते हैं. लोक को पढ़ते हैं मतलब जो अराउंड जो जो चल रहा है, कीन वॉच उन पर बना रहता है, लोक में क्या क्या चल रहा है. पंडित टोडरमल जी उन पंडितों में से थे. ऐसे विरले दुर्लभ विद्वान है जिनको हम महापंडित आज कह रहे हैं, क्योंकि इनका ग्रंथों के साथ साथ आत्मा पर पकड़ के साथ साथ लोक का भी बहुत अच्छा निरीक्षण था. व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. फॉर एग्जाम्पल 220 नंबर का पेज हम देख सकते हैं, उसमें पंडित जी साहब ने बहुत अच्छा चित्रण किया है. व्रतियों की क्या हालतें हैं, तपस्वियों की क्या हालतें हैं, दानियों की क्या हालतें हैं, पूजार्थियों की क्या हालतें हैं,
दर्शनार्थियों की क्या हालतें हैं और तो और स्वाध्यायियों की क्या हालत है, सबको उन्होंने फाइल पर लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, दर्शनार्थी भक्ति तो करता है, दर्शन करने जाता है, लेकिन दृष्टि उसकी घूमती रहती है, मुंह में से कुछ बोलता रहता है, सोचता कुछ और रहता है और दृष्टि घूमती रहती है। मैं कौन हूं इस पर ध्यान नहीं है, किसकी पूजन कर रहा हूं प्रयोजन पर उसका ध्यान नहीं है। दान करता है तो पात्र अपात्र की खबर नहीं है, जिससे अपनी प्रशंसा हो ऐसा दान करता है। तपश्चरण करता है तो जिससे अपनी महंतता हो, ऐसा भूखा रहकर भी तपश्चरण आदि करता है। कुछ व्रत अंगीकार करता है तो जिससे अपनी वाह वाह हो, बड़ाई हो, ऐसी कुछ एक क्रिया को पकड़ लेता है, ऐसे व्रत कर लेता है। स्वाध्याय करता है तो पद्धति अनुसार कर लेता है, एंड सो ऑन डॉट 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 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये पूरी फाइल खोली है पंडित जी साहब ने। लोग दर्शन कैसे करते हैं, लोग पूजन कैसे करते हैं, मतलब धर्म की क्रिया के नाम पर अंदर का धर्म ही लुप्त हो गया है कहते हैं उनका। यस्मात क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, संबंध भद्र स्वामी के वचन, वे कहते भाव यदि शून्य हो तो बाहर की जड़ और शुष्क क्रियाओं का फल तो जीरो होता है। पंडित जी साहब का ये कीन ऑब्जर्वेशन था समाज पर, इसलिए हमने उनको कौन सी उपाधि दी है, महापंडित। शाबाश, आगे बढ़ते थोड़ा। हाँ, एक तो होते हैं पंडित। पंडित का मूल काम होता है टू गाइड द मिसगाइडेड पीपल। जो लोग यत्र तत्र भटक रहे हैं सुख के नाम पर, उनको गाइडलाइन देना, ये पंडितों का काम है, मोक्ष मार्ग बताना। बट पंडितों को तो ये अधिकार मिल गया गाइड करने का, समाज को टोकने का, पॉइंट आउट करने का, डांटने का, डपटने का। बट यदि पंडित ही चूक जाए तो उनके ऊपर कौन है फिर ओवरहेड, उनको कौन गाइड करेगा। जिन्होंने ठेका लिया है समाज के सुधार का, यदि वह ही गर्त में चला जाए तो उसको कौन सुधारने का प्रयास करेगा। छिद्रमय हो नाव डगमग, चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। नहीं पहचाना, कहाँ का ये? डॉक्टर साहब की 12 भावना है, संसार भावना की बात कर रहा हूं। हम दुनिया से त्रस्त होकर, वह जीव मुश्किल से आया जहाज में बैठा और जहाज भी ऐसी मल्ला के हाथ में पड़ गई जिसने मन में ठान ली आपको डुबोने की, फिर आपको कौन बचा सकता है। समझ रहे हैं? जब बाढ़ ही, जब फेंसिंग ही खेत को खाने लग जाए, जब रक्षक ही भक्षक होने लग जाए, तो फिर कौन सहारा, कौन शरण होगा। फिर एक बच्चे को बलि के लिए लाया गया राजा के सामने, जोर जोर से हंस रहा था वो बच्चा। उस बच्चे को पूछा, तुम्हारी अभी बलि चढ़ने वाली है, तुम्हें अभी मार दिया जाएगा और तुम हंस रहे हो, तुम्हें कुछ भी दुख नहीं लग रहा है, तुम कुछ भी याचना नहीं कर रहे हो, भीख नहीं मांग रहे हो जीवन की, तुम्हें भय नहीं लगता। माता मारे आपनी, क्या बोल रहा है वो, माता मारे आपनी, पिता बेच के खाए। जब माँ बाप ही हमको बेच रहे हैं थोड़े से पैसे के लिए, दुनिया से संकट आने पर लोग माँ बाप की पनाह में आते हैं, आज माँ बाप ही हमको बेच रहे हैं और खतरा मंडराने लग जाए तो लोग राजा की भी पनाह में शरण में आते हैं। लेकिन माँ बाप बेच रहे हैं और राजा मार रहा है, कहन कौन सो जाए। अभी हम किसको कहने जाए, माता मारे आपनी, पिता बेच के खाए, राजा मारे गाव का, कहन कौन सो जाए। क्यों कह रहा हूं मैं ये,
जो विद्वान जो पंडित जिनकी तरफ पूरी समाज दृष्टि जमाए हैं, ये हमारे आदर्श है के रूप में, और वे अनुकरण करना चाहती है विद्वान के, लेकिन यदि विद्वान ही चूक जाए तो उसको कौन संभालेगा, उसको कौन गाइडलाइन देगा। तो इसलिए और टोडरमल जी ने तपस्वियों को और पंडितों को दोनों को फाइल पर लिया है। देयरफॉर हम पंडित जी साहब को महापंडित ऐसी उपाधि से विभूषित कर रहे हैं। बट सो सैड, लोग पंडित जी साहब के भाव को समझ नहीं पाए, उनको यही लगा ये हमारी कटाई करते हैं, द्वेष करते हैं ये हमारा। इसलिए सबने मन में ठान ली, और आप जानते हो टोडरमल जी को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ और किसी का नहीं है, जैनेतरों का कम, और जैन कुल में जन्मे वाले जो 20 पंत आदि थे जिनको छठवें अध्याय में फाइल पर लिया था, खरेखर फाइल पर भी नहीं लिया था, कोरोना मात्र था, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड, और उनको दे टुक अदरवाइज, और फिर षड्यंत्र रच कर उन्होंने ही पंडित जी साहब को मरवाया। जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा ध्यानत, सब देख कर चुप रही है जग में जीवन थोरा। क्या कहा, कोई रिपीट करेगा? जैनी भय जैनी के निंदक, पंचम काल जोरा ध्यानत, सब देख कर चुप रहिए जग में जीवन थोरा। ये जैनी ही हमारे विद्वेषी बन गए। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? युक्ति अनुशासन एक ग्रंथ है, हम प्रस्तावना देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, पंडित टोडरमल जी तथा उनकी कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। युक्ति अनुशासन एक ग्रंथ है, आप जानते हो यह ग्रंथ किसने लिखा है? यह ग्रंथ समंत भद्र स्वामी ने लिखा है युक्ति अनुशासन। इस ग्रंथ में एक 12वीं कारिका आई है, उस 12वीं कारिका में एक बहुत सुंदर बात कही है, उसमें यह लिखा, कालह कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा त्वच्छासनेकाधिपति त्वलक्ष्मी तथापि शक्तेरपवाद हेतु। समंत भद्र स्वामी के सामने कोई जिज्ञासु जीव आकर एक जिज्ञासा रख रहा है, कह रहा है जब आपका जैन दर्शन इतना सुंदर है, इतना सुहावना है, और आपकी भाषा में, समंत भद्र स्वामी की भाषा में कैसा है जैन दर्शन? अकाट्य है, दृष्टेष्ट विरोधकम, जिसका विरोध किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। जैन दर्शन जब इतना अद्भुत है, फिर ऐसा क्यों है पंचम काल में, जब इस काल में ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है प्रभाव जैनियों का, जैनी तो बहुत गिने चुने दिखते हैं, वाई इज इट सो, ऐसा प्रश्न पूछा। युक्ति अनुशासन ग्रंथ में यह बात चल रही है। आचार्य देव उत्तर स्वरूप में इस छंद को बोल रहे हैं, क्या रीजंस दे रहे हैं? कालह कलिर्वा, रीजन वन, कली काल पंचम काल एक रीजन। सेकंड रीजन, कालह कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुर प्रवक्तुम वचनानयो वा। श्रोता या तो कलुषाशय रखता है और या तो नय की विवक्षा नहीं समझता। दो ड्रॉबैक, टू ड्रॉबैक, थ्री, वक्ता भी या तो एक ही नय को पुष्ट करता है और दूसरे नय को ओझल करता है, या फिर वह भी कुछ कलुष आशय रखता है। रीजन थ्री, समझ में आया?
श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा त्वच्छासन एकाधिपतित्व लक्ष्मी, एकाधिपतित्व मोनोपोली, एक अधिकार होना चाहिए जहां पर आपके दर्शन का, आपकी छत्र छाया में सबको पना लेना चाहिए। हाउ इज इट दैट किसका कुछ भी विकास नहीं होता है, गिनती चुनती के जैन है आपके, वाई इज इट सो? तो यहां पर समाधान किया जा रहा है, इन तीन कारणों से ऐसा होता है। क्या काल, क्या रीजंस कहे? पंचम काल, श्रोता की थिंकिंग की विपरीतता और वक्ता के थिंकिंग की विपरीतता। नई विवक्षा समझते नहीं है कोई। पंचम काल की विशेषता की बात मैं थोड़ी सी कह दूं, वह काल चतुर्थ काल का अंतिम दिन था और किसी ने किसी का घर परचेस कर लिया। उसको जैसे परचेस किया, उसको खुदवाई में उसी दिन गड़ा धन मिल गया। दौड़ता दौड़ता राजा के पास पहुंचकर बोला, सॉरी, जिससे घर खरीदी किया था उसके पास पहुंचकर बोला, साहब ये आपका धन, आपको ले लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, यह धन मैं नहीं रख सकता, इसमें मेरा कैसे अधिकार होगा, यह धन आप ही का है, आप रख लो, क्योंकि मैंने घर आपको जमीन सहित बेच दिया है। सामने वाला ये कह रहे, नहीं साहब, हमने तो आपको घर का ही मूल्य दिया है, हमको जमीन के नीचे की संपत्ति का मूल्य नहीं दिया था, ये आप रख लो। ये कह रहे आप रख लो, वे कह रहे आप रख लो। कोर्ट में जब केस चली गई राजा के, साहब ये संपत्ति आप रख लो राजकोष में, इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, दोनों ने कहा। राजा ने कहा, नहीं नहीं, राजकोष कैसे रखेगा ये, आप दोनों डिसाइड करिए, अब दोनों की संपत्ति है ये। एक दिन निकल गया रात में, वो विचार कर रहा है, एक आदमी जिसने बेचा, हाँ जब मैंने घर ही को बेचा है, गड़े धन को तो नहीं बेचा है, वो धन मेरा ही होना चाहिए। जिसने खरीदी किया है वो विचार कर रहा है, हाँ जब घर अपने खरीदी किया है ऊपर से नीचे तक होना तो अपना ही चाहिए, ये धन मेरा ही है। राजा को भी आज लगा, वो धन तो राजकोष का होता है, गड़ा धन। क्या ड्रॉबैक था आज का? पंचम काल चालू हो गया था। कालह कलिरवा कलुषाशे वक्तव्य, टोडरमल जी ने करुणा से सब समझाया, बट पीपल टुक अदरवाइज, लोगों को भाव समझ में नहीं आया और जान पर तुल गए और पंडित जी साहब का मरण हो गया। कल हमने पढ़ा था, पंडित जी साहब को हाथी के पैर के नीचे कुचला गया। और ये भी घटना आती है, हाथी पैर ऊपर को ऊपर रखे था, पैर नहीं चला रहा था, महावत अंकुश से भोक रहा था ऊपर हाथी को। पंडित जी साहब ने कहा, मेरे आनंद का नाथ इसमें कुछ लेगा नहीं, तुम तुम्हारा काम करो। जीवंत रूप हमको पंडित जी साहब के जीवन में देखने को मिला, जो तत्व ज्ञान के बाद वे करते हैं आश्रय तत्व संबंधी भूल में, कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, बचाने का भाव मारने का भाव देवसान है। ये पूरी हूबहू बात उन्होंने अपने अपने जीवन में उतार ली थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे पंडित जी साहब की आयु 47 ही साल की रही, क्योंकि 1823 तक का साहित्य पाया जा रहा है और 1824 के बाद का कुछ भी साहित्य पंडित जी साहब का पाया नहीं जा रहा है। इससे वी केम टू अ कंक्लूजन कि पंडित जी साहब की आयु 47 वर्ष ही होनी चाहिए और एक पॉसिबिलिटी 27 वर्ष की बताई जाती है, बट वो पॉसिबल नहीं लग रही है, 47 साल की ही उम्र उनकी जायज लग रही है। कैसे षड्यंत्र से मारा गया उनको, ये तो कल हमने चर्चा की ही है। ये भी समझने लायक बात है आप लोगों को कि पंडित जी साहब ने जब उनका देह विलय होने का टाइम आया था, तब उनका ग्रंथ ये अधूरा रह गया, वे दो कृतियां एक साथ चला रहे थे। पंडित जी साहब के खाते में, पंडित जी साहब के अकाउंट में 11-12 रचनाओं का योगदान है। कितनी क्रिएशंस है? 11-12, जिसमें से 5 टीकाओं की कल हमने बात की थी। इसके अलावा भी आत्मानुशासन पर उन्होंने टीका लिखी है, साथ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर भी उन्होंने टीका आरंभ की थी।
लगभग आधी टीका उन्होंने पूरी की होगी ऐसा अनुमान लग रहा है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के टीका के वो टीका अधूरी रह गई, साथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी पंडित जी साहब का अधूरा रह गया। आइए हम देखते हैं अंतिम अध्याय, खोलिए थोड़ा सा आप नवा अध्याय। अब पेज नंबर इसमें है 339, आप अंतिम लाइन देख लीजिए 339 पर। देखिए आप इस 339 पर हम देखेंगे पंडित जी साहब ने लाइन भी पूरी नहीं की है, उन्होंने लाइन छोड़िए वर्ड भी एक इनकम्प्लीट रहा। इससे ऐसा लगता है कि शायद रचना लिखते लिखते किसी कोई बुलावा आया होगा, राजकर्मी कोई बुलाने आया होगा और बीच में ही उनको जाना पड़ा होगा। देखो अंतिम शब्द लिखा है, अभी ग्रंथ मूल में चालू ही किया था, इन्होंने चालू ही किया था ग्रंथ, 339 पेज पर था। देखिए इसमें बहु ऐसा शब्द पड़ा है, गेटिंग देखिए सब बहुरी मतलब और ऐसा लिखना चाहते थे बट वर्ड भी पूरा नहीं हो सका। दावे के साथ हम ये कह सकते हैं यदि यह ग्रंथ पूरा होता तो विश्व भर में जहां जहां पर भी जैन दर्शन पढ़ाया जाता वो एक यूनिक वन एंड सिंगल ग्रंथ ही विराजमान किया जाता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलावा ना ही और किसी ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती, ना ही किसी का रंग भी चढ़ पाता। अलास हमारे सामने ये पूरा नहीं हो सका, ये ग्रंथ अधूरा ही रह गया। थोड़ी और हिस्ट्री भी आपको जानना जरूरी है इसकी। वैसे एक रहस्य की बात है, जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज हमारे पास उपलब्ध है वह है 12,000 श्लोक प्रमाण। हाउ मच? 12,000 श्लोक प्रमाण। एंड इट वॉज सपोज टू बी, रायमल जी ने कही जिक्र ये किया है, यह है 20,000 श्लोक प्रमाण। होना कितना चाहिए? रिकॉर्ड है इसका, रिकॉर्ड है 20,000 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ होना चाहिए कहते हैं। और है कितना? केवल 12,000 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है। इट मीन्स कि 8,000 श्लोक प्रमाण इज मिसिंग समवेयर, समझ रहे? लेट आई क्लैरिफाई फर्स्ट। अब श्लोक प्रमाण समझते हैं? श्लोक प्रमाण नो, श्लोक प्रमाण मीन्स नॉट श्लोक। अब जानते ग्रंथ का नाम अष्टशती है, मैंने डिस्कस किया है शायद कभी, अष्ट सहस्त्री है। अष्ट सहस्त्री क्यों है? 8,000 श्लोक प्रमाण। अष्टशती क्यों है? अकलंग स्वामी का 800 श्लोक प्रमाण, मैंने चर्चा की थी शायद ये। और श्लोक प्रमाण मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें श्लोक होते हैं, बट एक ट्रेंड है ग्रंथ का पैरामीटर। पहले जमाने में यह होता था जो ग्रंथ लिखते थे हस्तलिखित उनको जो पैसा दिया जाता था मेहनताना, सैलरी यू कैन कॉल, वो कोई पेज के टर्म पर नहीं दी जाती थी, वो दिया जाता था कितने लेटर्स कितने अक्षर। तो ये माना जाता था 32 अक्षर हुए तो माना जाता था एक श्लोक प्रमाण ग्रंथ, क्योंकि एक श्लोक में होते हैं अनुष्टुप छंद में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक श्लोक बोल के दिखाओ, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। एक श्लोक ये है, इसमें 32 अक्षर होते हैं, तो एक श्लोक प्रमाण मीन्स 32 अक्षर प्रमाण। तो ये ग्रंथ ये दिखाता है और 8,000 श्लोक प्रमाण कही, सॉरी कितना, 800 श्लोक प्रमाण कही मिसिंग है। थोड़ा आपको कुछ राइट ना, हाउ 20,000 श्लोक प्रमाण, राइट राइट राइट, 20,000 श्लोक प्रमाण और 12,000 श्लोक प्रमाण, राइट 8,000 श्लोक प्रमाण कहीं मिसिंग है ये ग्रंथ। मतलब जितना भी है लगभग उतना ही ग्रंथ और भी कहीं होना चाहिए। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं थोड़ा सा, इसके लिए बहुत मेहनत, अभी अपने ताऊजी ने, पवन ताऊजी ने बहुत मेहनत की इसके लिए। मैंने आपको कभी बताया था पिछले साल उन्होंने राजस्थान के जितनी लाइब्रेरीज है
वहां पर पूरा अपना जोर लगाकर गवर्नर से परमिशन लेकर सीएम से परमिशन लेकर और जगह जगह लाइब्रेरीज में इसको मांगा कि ये कहीं होगा टोडरमलजी का सामान तो दे दो, क्योंकि जो जप्ती के सामान की लिस्ट मिली है उसमें बहुत सारा साहित्य भी मिला है। बट गॉड नोज व्हाट हैपेंड, सभी जन जोर लगा रहे हैं लेकिन पंडित जी साहब को कुछ भी साहित्य नहीं मिल रहा है। और यह भी जो खास उस ऑफिस में काम करता था आदमी, जहां पर जप्ती का सामान टोडरमल जी का रखा गया था, उस आदमी ने स्वयं डॉक्टर साहब को, भारिल जी साहब को यह चीज बताई थी, लेकिन बोला था आप लीक नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट ट्रेजरी में यह सब बातें होती है, वे लीक नहीं करी जाती, सब कॉन्फिडेंशियल होता है। कह रही यदि आप लीक करेंगे तो आई विल बी हैंग्ड देन, तो यह नहीं करना। तो ये डॉक्टर साहब अभी बोलते हैं जब वो आदमी मर गया है। लेकिन बहुत ढूंढा लेकिन कहीं सर्च नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा यह कहना है यदि मिलता यह साहित्य तो टोडरमल जी जाने के बाद, उनके मरने के बाद, उस समय के दीवान, उन्होंने क्या कमजोर लगाया होगा क्या साहित्य मिलने के लिए? उन्होंने जो, लेकिन बस वो आज नहीं है हमारे पास, लेकिन ये दिखाता है कुछ ना कुछ मिसिंग पार्ट है इसका। आप सब समझ रहे? अच्छा, और एक बात, वन मोर थिंग टू मेंशन हियर, पंडित जी साहब ने अपने पूरे साहित्य में लगभग चार जगह उन्होंने मेंशन किया एक चीज कि जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे बात करते क्यों? यदि एट द एज ऑफ 60, 70, 80 ऐसा यदि कोई बोले तो यह तो माना जा सकता है, यह कोई ऑकवर्ड नहीं लगता हमको। बट इन द प्राइम यूथ 20, 22, 25, 30 साल में यदि कोई ये बोलने लग जाए बार बार 30, 40 साल में कि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, आयु का कोई भरोसा नहीं, तब तो फिर कुछ विचारणीय बात होती है। पंडित जी साहब ने बार बार इसका जिक्र किया है, इससे फलित होता है पंडित जी साहब न्यू, पंडित जी साहब जानते थे कि उनके ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, निरंतर वे बच रहे थे, इसलिए जल्द से जल्द उन्होंने इसको पूरा करने का प्रयास किया है। खैर जो भी हो, लेकिन आज ये इतना साहित्य है आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और एक हम फेस को छूने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बोला, वैसे टोडरमल जी साहब ने चार प्रकार की रचना लिखी है। कितने प्रकार की? चार। एक वर्णनात्मक, इन्फॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, लाइक समोशरण वर्णन। एक, दो विवेचनात्मक प्रश्न उत्तर शैली में। टोडरमल जी ने पूरा प्रश्न उत्तर शैली में साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक ढंग से इस ग्रंथ को पुट अप करने का उन्होंने प्रयास किया है। अद्भुत शैली है ये, जो श्रोता को पकड़ के रखती है। थ्री, एक तो पत्रात्मक शैली, जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी। फोर्थ, इन टेबुलर फॉर्म, अर्थ संदृष्टि के रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म यू कैन कॉल, इन चार्ट, लाइक सम्यक ज्ञान चंद्रिका। इन चार शैलियों का प्रयोग उन्होंने किया है। जो ग्रंथ हम देखना चाहते हैं पूरे प्रश्न उत्तर के रूप में है, एज इफ कोई शंकाकार सामने बैठा है एंड ही इज आस्किंग समथिंग टू अस। समझ में आ रहा है? ऐसा पूरा ग्रंथ है, बहुत रोचक ये ग्रंथ है। पंडित जी साहब को इसके आहट थी, किसके आहट थी? कि उनके जान के प्यासे लोग रहे हैं। आइए हम देखते हैं, उन्होंने ही 138 पेज पर यह आशंका व्यक्त की है। शंकाकार ये पूछता है, यू हैव नो राइट टू एलिगेट, जैनेतरों को आप एलिगेशन करने का आपको कोई अधिकार नहीं, निषेध करने का। पंडित जी साहब ये कहते हैं, बाबा दिस इज नॉट एलिगेशन, ये हम्बली, हम ये कह रहे हैं, हम किसी पर निंदा नहीं कर रहे हैं, ये करुणावश कह रहे हैं। और यदि हम कुशल सेवन का निषेध करें और वेश्य को खराब लगे, व्हाट कैन वी डू देन? यदि हम शराब की निंदा करें, मांस सेवन की निंदा करें, एंड इफ कलाल फील्स बैड,
देन व्हाट कैन वी डू. हमारा प्रयोजन तो उनको दुखी करना नहीं है. आइए 138 पेज को थोड़ा सा हम देखते हैं. आप आगे 138 पेज पर एक बहुत सुंदर पैराग्राफ है, इसको लगे हाथ हम देख लेते हैं. अटेंटिव है आप लोग सभी, प्लीज देखिए. तथा वह कहते हैं कि, मिल रहा है 138, गुड. तथा वह कहते हैं कि, वह मींस कौन, अपोनेंट, जो कहना चाहिए अन्य मति के कोई लोग कह रहे हैं. तथा वह कहते हैं यह तो सच है, परंतु अन्य मत की निंदा करने से अन्य मति दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें. आज हमारे बीच में, हमारी समाज में, जिनके बीच में हम उठते बैठते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं. दे जस्ट स्टार्ट फीलिंग, उनको ऐसा लगने लगता है कि वो बस हम निषेध कर रहे, निंदा कर रहे उनकी. ऐसा नहीं है भाई, ये तो परीक्षण चल रहा है, परीक्षण. यदि हम सोने की परीक्षा का ज्ञान किसी को कराए, ये झूठा सोना है नहीं, ये झूठा है, खरा सोना नहीं है, तो ये तो हम उसको सावधान कर रहे हैं. लेकिन सुनार यदि ठग, ही इज नॉट सुनार रियली, ही इज अ चीटर. ठग यदि दुखी हो तो व्हाट कैन वी डू देन. लिसन, वह कहते हैं हम कषाय से निंदा करें, वो औरों को दुख उपजाए, तो हम पापी ही है. गेटिंग, हाँ, यदि हम कषाय से ऐसा करते हैं तो हम पापी ही है, तो फिर देन वी आर रियली एक्यूज्ड देन, तो फिर हम अपराधी है, देन हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए. परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से, जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है. कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे, तो हम क्या करें. लिसन, वॉच एवरीवन, पंडित जी साहब के साथ बराबर ऐसा हुआ है जैसा वे कहेंगे, अभी कहेंगे, और ये 138 पेज पर लिख रहे हैं, और अभी 200 पेज आगे बढ़ गए. मतलब मैं भी लगभग नियर अबाउट 2-3 साल पहले ही लिखा होगा ये, उन्होंने निरंतर उनके लिखने में है. देखिए, जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वैश्य अधिक दुख पाए, और खोटा खरा पहचान की पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो क्या करे. कितने जन फॉलो कर रहे हैं, बी अटेंटिव. इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दे, तो जीवों का भला कैसे होगा. ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए. तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है. लिसन लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट. विरोध कब होता है, जब परस्पर करे तब होता है. कहते हैं यदि ये वे हमको कुछ करने आए तो वी वोंट रिस्पॉन्ड. ऑफेंस छोड़ो, वी विल नॉट एवर, हम उनको डिफेंड भी नहीं करेंगे. विरोध तो तब होता है जब दो तरफा होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिफेंड ऑल्सो. देखिए, ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए. तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ, उनका कैलकुलेशन थोड़ा ओके. हमें तो अपने परिणामों का फल होगा. यह टोडरमल जी का अप्रूवल है, यह प्रामाणिकीकरण है कि वो जानते थे इस बात को, और उनके मन में ऐसा नहीं है अन्य मतियों का भी खंडन किया जाएगा, वैदिकों का, मुस्लिमों का, अरे यहां तक कि हमारे जैन कुल में जन्मे 20 पंथियों का, यहां तक कि श्वेतंबर भाइयों का. बट उन्होंने विचार नहीं किया इस बात का, और उन्होंने टोडरमल जी को मौत के घाट उतार दिया. लेकिन सत्य को मारा नहीं जा सकता, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता. आग को दबाने के लिए, अंगारों को दबाने के लिए, भले उस पर थोड़ी सी बोलिए राख डालकर,
राख डालकर वो ना दिखे ऐसा किया जा सकता है, बट वो आग बुझती नहीं है। ऐसे तो निकलंक भी मारे गए, टोडरमल जी मारे गए, लेकिन धर्म ऐसा मिटता थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ बाइट्स, कहावत है सत्य काटता है, और यह सत्य उनको अखर गया, सो उन्होंने ये किया। पंडित जी साहब ने और एक प्रमाण दिया है। पंडित जी साहब इसी ग्रंथ में एक जगह कहते हैं कि हम इतने सारे मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हैं, यह एलिगेशन के लिए नहीं है, यह किसी की कटाई के लिए नहीं है, बट यदि यह दोष हम में हो तो देख कर टू प्यूरिफाई आवर सेल्व्स, यदि हम में यह दोष पाए जाए तो फिर उसको निकालने के लिए यह बात है। खोलिए पेज मे बी 269, प्लीज सुन 269 पर आइए। सातवां अध्याय पूरा कर रहे हैं, सभी प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। 267 सभी प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, और अभी समापन में कहते हैं यह कोई टीका टिप्पणी निंदा नहीं है। वहां नाना प्रकार के, कितने जन फॉलो कर रहे हैं, मिल गया प्रकरण। वहां नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का कथन किया है, गेटिंग, उसका प्रयोजन यह जानना कि उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक सावधानी होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर, कितने जन फॉलो कर रहे हैं, हाँ, ये सब सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए है। ये जैनिज्म, व्हाट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म, मैं हमेशा कहता हूं, बोलो, लुक इन एंड नॉट आउट इज द लुकआउट ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म इज डेडिकेटेड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यह स्वयं के एनालिसिस के लिए है, पर परीक्षण के लिए नहीं है, समझ में आ रहा है। पंडित बनारसी दास जी तो कहते हैं पर बुद्धि को परखी वो, जो पराई बुद्धि को परखता है, दैट इज लाइक परस्त्री सेवन। यह सब हमारे लिए था, पंडित जी साहब गाइडलाइन दे रहे। पंडित जी साहब यहां पर देखिए, औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसीलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम और थोड़ा सा देखते हैं। जब पंडित जी साहब का, आप सब और एक चीज जानते हैं, षटखंडागम लिखा जा रहा था, कौन सा ग्रंथ, षटखंडागम प्रथम श्रुत स्कंद, आप सब जानते हैं। पुष्पदन जस्ट स्टार्टेड, कितना लिखा पुष्पदन जी ने, एक खंड भी नहीं लिखा, मे बी 10% ऑफ पहला खंड, देह विलय हो गया। श्रेयासी बहुविज्ञानी, सज्जन पुरुषों को, अच्छे काम में अच्छे लोगों को हजारों संकट आते हैं, ये बात सही है, बट पुष्पदंत चल बसे भूत बलि टू कौन, भूत बलि ने पूरा किया षटखंडागम, राइट, आप सब जानते हैं। और आप जानते हैं जिनसेन स्वामी ने 24 तीर्थंकरों का पुराण लिखना चालू किया, 24 तीर्थंकरों का चरित्र, बट ही फेल्ड। आदिनाथ भगवान का चरित्र लिखा एनी मूव, समाधिस्थ हो गए, तो इसीलिए उसका नाम आदि पुराण है। लेकिन उनके शिष्य गुणभद्राचार्य, कौन, गुणभद्राचार्य ने हिट टू कौन, और उन्होंने कंप्लीट बचा हुआ पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड उत्तर पुराण, गेटिंग। बट मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रहा तो समाज में बहुत अपील होने लग गई, व्हाट अबाउट दिस इनकंप्लीट मैटर, इतना जबरदस्त ग्रंथ है, हु इज गोइंग टू कंप्लीट दिस थिंग, एन एबल पर्सन कम अहेड। बट
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी अधूरा था। आप सब जानते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका अधूरी थी। दौलत राम जी कासलीवाल ने ये जिम्मेदारी ले ली, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता हूं, आई विल कंप्लीट द थिंग, और इतना बखूबी से पूरा किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वचनिका कि नो वन इज इवन एबल टू गेस कि कहां तक टोडरमल जी ने किया है और कहां से दौलत राम जी ने किया है। वो तो ऐसा दिखता है जैसे एक कंटिन्यूटी, बट हु इज कम टू गोइंग टू कम अहेड फॉर दिस टास्क, मोक्ष मार्ग प्रकाश की पूर्णता के लिए हु इज रेडी। तो उस समय में बहुत ऐलान हुआ बट नो वन टर्न्ड अप। हाउ कैन कोई कैसे कर सकता है। जयचंद जी छाबड़ा एक बलशाली विद्वान हुए उस जमाने के। कौन? जयचंद जी छाबड़ा। जयचंद जी छाबड़ा को भी और बताऊं मैं बात। जयचंद जी छाबड़ा फागी के रहने वाले थे। कहां के? फागी के रहने वाले थे। वेर इज फागी सिचुएटेड, लोकेटेड, कहां है ये? नियर जयपुर, समवेयर एक आध दो घंटे की दूरी पर होना चाहिए फागी। ये आते थे जयपुर में, मान के चलो वंस अ वीक, संडे टू संडे आते थे खरीदी करने के लिए। उनकी अपनी दुकान थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जो कि बहुत प्रबल विद्वान थे, और ये विद्वत्ता उनको कोई घुटी में नहीं मिली थी। ऑल दिस थिंग शुड बी ओव्ड टू, ये सब श्रेय इसी महापुरुष को जाता है। किसको? टोडरमल जी को। कैसे? लेट्स सी। जब जब भी वे जयपुर में आते थे, जब भी कोई जैन होता है, यदि बाय चांस उसका कहीं जाना बने, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका काम क्या है कोई बताए मुझे? यदि दूसरे गांव जाना बने जैन का किसी पर्पस से, सबसे पहले वो क्या करता है? यहां पर जैन मंदिर कहां मिलेगा? देव दर्शन के बिना जैन नहीं रह सकता। एक, यदि रसीला हो, रसिक हो, रसिक मीन्स मुमुक्षु हो, वैरागी हो, तो और एक प्रश्न पूछता है, बोलिए, स्वाध्याय को कोई योग मिल सकता है क्या? पंडित जयचंद जी गए और पंडित जयचंद जी साहब ने वहां पर पूछताछ की, यहां पर कोई सोर से उनको पता चला यहां पर प्रवचन होते पंडित टोडरमल जी साहब के, प्रवचन के लिए गए, फैन हो गए, हीरो मिल गए उनको, तो और ऐसा जुनून छा गया, उनको लगा भी एक बार से काम नहीं होगा, अबे हमको दो बार जाना पड़ेगा। तो उन्होंने दो बार जाने लग गए, बट उन्होंने एक माइंड मेकअप किया, दिस इज नॉट ऑल, हम तो अभी जयपुर में ही बस जाएंगे। वे जयपुर में ही बस गए। अभी टाइम हो गया है, शेष बात हम कल पूरी करते हैं। ओम नमः।